दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं मनमानी वसूली, दोस्तों आज की इस वीडियो खोल देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने कोरोना महामारी के प्रकोप और उसके प्रबंधन पर राज्यसभा को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के रवैये पर कुछ ऐसे गंभीर सवाल उठाए गए हैं जो काफी निराशाजनक है। दोस्तों, और हम आपको ये भी बता दें कि ये कोरोना वायरस पर सरकार का पहला आधिकारिक आकलन है, जिसे हम 5 अलग अलग पॉइंट्स में आपको बताएंगे, जिसे आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आसपास हो रही है और हो सकता है ये आपके साथ भी हो जाए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जिस समय देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, उस समय प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर काफी ज्यादा रकम वसूली जा रही थी। हालांकि इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब जब आधिकारिक तौर पर ये चीजें सामने आई हैं, तो ये बात और ज्यादा हैरानजनक हो गई है। इसी रिपोर्ट में चिंता जताते हुए ये कहा गया कि सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी का पूरा फायदा प्राइवेट अस्पतालों ने उठाया, जिसकी वजह से लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया। अब दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सरकार ने इलाज के दाम को लेकर दिशा निर्देश जारी नहीं किए, यही कारण था कि प्राइवेट अस्पतालों को खुली छूट मिल गई और उन्होंने मनमानी वसूली शुरू कर दी। ऐसे में चौथे पॉइंट में ये कहा गया कि अगर सरकार ने अपने रेट तय किए होते तो प्राइवेट अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज इतने से ज्यादा रुपए में नहीं होता और कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्पताल के मोटे खर्चे न दे पाने की वजह से अपने साथ साथ दूसरों को भी इस बीमारी से संक्रमित किया और इसी कारण कईयों की जान भी चली गई। और अगर हम पांचवें और सबसे अंतिम पॉइंट पर जाएं, तो ये बात जग जाहिर है कि इस महामारी की वजह से कई सारे लोगों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है, और इस बात की चिंता इस रिपोर्ट में भी जताई गई, क्योंकि इस इलाज की वजह से कई सारे परिवारों की कमर टूट गई और उसे ना चाहते हुए भी गरीबी रेखा के नीचे जाना पड़ा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी का फायदा उठाते हुए प्राइवेट अस्पतालों की लूटपाट की वजह से हुआ। अगर हम किसी औसतन प्राइवेट अस्पताल की बात करें, तो वहां पर एक हफ्ते तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है कि मात्र अस्पताल में एक हफ्ते तक आपका इलाज चलेगा और आपको बैठे बैठाए 3 लाख का चूना लग जाएगा। और भारत की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो साल भर मेहनत से काम करे तो भी 3 गुना सालाना नहीं कमा पाएगा, और ये संख्या करोड़ों में आती है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस समय सबसे अनहाइजीनिक जिंदगी गरीब इंसान ही तो जी रहा है, क्योंकि वो मुश्किल में अपना प्रोटेक्शन कर पाता है, इसलिए किसी गरीब को इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में गरीबी ही सबसे ज्यादा खतरे में है, और उसी का इलाज नहीं हो पाएगा तो भला कैसे काम चलेगा। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें आज से 4-5 महीने पहले की है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की धांधलेबाजी शुरू तो कोरोना वायरस के समय ही हो गई थी, लेकिन ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। और इसी वजह से सरकार काफी चिंतित भी है कि देश का गरीब तबका इस वायरस से संक्रमित होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है, और उसी गरीब तबके को सही ढंग से इलाज भी नहीं मिल पा रहा। हमें लगता है कि सरकार को इस मामले में गंभीर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा है जो देश को और उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से गिरा कर रख देगा। पर दोस्तों, चीजें खराब करने के लिए हम सिर्फ सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को ही दोष नहीं देंगे, बल्कि सबसे बड़े गुनाहगार तो हम हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब से हमने आपको इस बात के लिए जागरूक किया था कि आप अपने और अपने परिवार वालों के बारे में सोचिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन रखिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी को इस बात से फर्क भी पड़ता है कि इस समय चल रही सबसे बड़ी महामारी कितनी तेजी से हमारे देश में फैल रही है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता कि न जाने लोगों की आंखें कब खुलेंगी। इतने सारे लोग उनकी आंखों के सामने मर रहे हैं, अस्पताल में जाते ही अस्पताल वाले लाखों रुपए का बिल बना रहे हैं, फिर भी लोगों की अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। इतना कुछ झेलने से अच्छा है मास्क पहनकर चलें और नियमों का पालन करें। पर नहीं, कुछ लोग वाकई में सुधरने वाले नहीं हैं।
और ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला, जहां पर एक शख्स को मास्क न पहनने के लिए रोका गया और पुलिस वाले को रोकने के बाद उसने पुलिस के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। और ये नई बात नहीं है, आए दिन ऐसे लोग सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब इस चीज के बारे में हमें चीन से काफी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस चीज को लेकर इतनी ज्यादा सख्ती है कि लोगों के मास्क चेकिंग के चक्कर में कई सारी फ्लाइट तक बंद कर दी गई। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि चीन में इतनी जल्दी सुधार क्यों हुआ। बाकी आपका इस तरह के लापरवाह लोगों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।